हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं जो रेलवे की तरफ से जो कमेटी बिठाई गई है और वहाँ पे जो उन्होंने एक पोर्टल ओपन किया है जिसमें कि आप बता सकते हो, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो मुद्दे हैं, मुद्दे अभी मेनली क्या है, दो चल रहे हैं। जो पहला मुद्दा है वो CBT 2 को, जो NTPC के स्टूडेंट हैं, वो उनके लिए क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि CBT 2 जो होगा वो उस बेसिस पे ना हो जिस हिसाब से इन्होंने लिस्ट बनाई है कि एक बच्चे को 5-5 पोस्ट पे इन्होंने सिलेक्शन दे दिया है। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट आउट किया है आपको अच्छे से पता है क्या मुद्दा चल रहा है। अगर आप RRC ग्रुप डी के स्टूडेंट हो, उसके कैंडिडेट हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CBT 2 का एक नया नोटिफिकेशन आया है कि ये CBT 2 भी यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि CBT 1 में एक फेज़ में पेपर हो जाना चाहिए। बहुत आप समझ सकते हो, UPSC का पेपर तो है नहीं। ठीक है, मैं किसी चीज़ को कम या बड़े से तुलना करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, फैक्चुअल चीज़ बता रही हूँ कि वाकई में ये UPSC लेवल का एग्ज़ाम तो है नहीं, जिसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो आप इस चीज़ को रेज कर सकते हो, ये पॉइंट उठा सकते हो कि जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक लेवल में कम्प्लीट करा जाए, CBT 1 के थ्रू ही फाइनल सिलेक्शन दिया जाए। और जो थर्ड पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप लोगों को ये मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए कि एक एनुअल कैलेंडर आना चाहिए रेलवे के साइड से, जिसमें कि कब वैकेंसी आएगी, अगर वैकेंसी आ गई है तो कब उसका एग्ज़ाम होना है, जल्दी से जल्दी उसका एग्ज़ाम जो हो इन प्रोसेस हो, और उस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए जल्दी से लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, एनुअली एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और एनुअली मतलब जब भी वैकेंसी आ रही है एक साल के अंदर अंदर उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आप खुद सोचो, जो RRB ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आप सबको बहुत अच्छे से पता है आप लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए, कितनी चीज़ें फेस की है। तो कई लोगों के तो पेरेंट्स भी मतलब बोलने लगते हैं कि रिश्तेदारों की बातें सुन के बोलना शुरू कर जाते हैं कि पता नहीं क्या है भाई, पेपर नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, छोड़ दो तैयारी। बहुत लोगों के माँ बाप बहुत सपोर्टिव होते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ लोगों के माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कि दुनिया के प्रेशर में आके फिर उनको भी नहीं समझ में आता, या फिर परिस्थितियां, आप कह सकते हो परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उनको कहना पड़ जाता है। ठीक है, माँ बाप हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, वो कभी भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये जो सारा कुछ यहाँ पे रेलवे की तरफ से हो रहा है, वो परिस्थितियाँ जो क्रिएट हो रही हैं, जो सिचुएशन बन रही है, उस हिसाब से सारे लोग ही परेशान हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, जो मुद्दा है कि जो एनुअल कैलेंडर लाना चाहिए, ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस टाइम अगर ये चीज़ कर लेते हो, तो आपके आगे वाले जो आपके पीछे के जो लोग हैं, जो आपके घर परिवार के मेंबर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। जो भी कंप्लेंट है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप ज़रूर बताओ, ताकि आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर मेंबर्स के पास पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि दो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, ईमेल के थ्रू। ईमेल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप किस पे जा सकते हो, rrbcommittee@railnet.gov.in पे जा सकते हो। ठीक है, इस पे क्या करना है, आपको मेल करना है, सिंपली अपना जो अकाउंट है आपका, जीमेल अकाउंट या कोई भी अकाउंट आप यूज़ करते हो, आपको क्या करना है, अपनी समस्या लिखनी है, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मेल कर देना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर मेल करके भेज दो। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो आप क्या कर सकते हो, इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पे अपनी परेशानी को बता सकते हो। तो वो प्रोसेस भी अभी मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और अपनी परेशानी को बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहिए, देखते हैं कि आप क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करने वाले हो। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ पेस्ट की है, आप देखो यहाँ पे https और ये /// है, फिर IROAMS.com, फिर / है outreach और उसके बाद / है। ठीक है, इस लिंक को क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सीधे सीधे लिखा आ रहा है, फॉर्म फॉर कंसर्न्स एंड सजेशंस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ CEN 01 2019 NTPC एंड RRC 01 2019
2019, ठीक है। तो RRC ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, और ये जो आपके NTPC के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे CEN नंबर डालना है, यानी कि आप NTPC के हो या फिर RRC के हैं। मतलब अगर आप RRC के स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, तो आप इसको क्लिक कर लो। आप उसके बाद सेलेक्ट जोन अप्लाई टू, आपने किस जोन से अप्लाई किया है वो आपको पता होगा। अगर मान लीजिए आपने जैसे ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, ठीक है, अब सबमिट कर दिया आपने। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स आएंगी, जिसमें कि कैंडिडेट नेम, आपका नाम लिखना है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख दो, मोबाइल नंबर डाल दो अपना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दो, रेजिडेंस डालना है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, जो आपकी स्टेट है, UP है, बिहार है या कहीं के भी, तो आप वो डाल दो। सेलेक्ट इशू टू बी रेज्ड, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आप देखो, आई एग्री विथ CBT2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, फिर उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ CBT2, जो भी है यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपके पास अदर्स का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी आपके पास समस्या नहीं है, आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं, तो अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। और अदर्स जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंसर्न्स या फिर सजेशंस, मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स, 300 कैरेक्टर के अंदर अंदर आपको लिखना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो है यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, वो जो कोड दिया हुआ है, इसको कोड को आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी मेल होगी वहाँ पे पहुँच जाएगी, जो आपका मैसेज होगा, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो साइट तक पहुँच जाएगी, ठीक है। बस इतना सिंपल सा काम करना है, इसको ज़रूर करिए, ज़रूर 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 करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले बहुत सारे बच्चों के लिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है। तो RRB, NTPC या ग्रुप डी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन और क्लासेस मैं हमेशा लाती रहती हूँ। तो ठीक है, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।